फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं ई ग्रंथालय में सीरियल का सब्सक्रिप्शन किस प्रकार किया जाता है और इसकी शेड्यूल किस प्रकार बनाया जाता है ये आप लोगों को बताएंगे। तो ई ग्रंथालय देख रहे हैं आप लोग कि ये खुला हुआ है, ओपन है और इसमें ये सीरियल मॉड्यूल है। तो सीरियल मॉड्यूल पर अपने माउस के द्वारा क्लिक करेंगे और ये सारे हम बटन मेनू देख रहे हैं, चेक डुप्लीकेट टाइटल। तो यहाँ से हम चेक करते हैं कि ये जो मैगज़ीन हम ख़रीदने जा रहे हैं ये हमारे लाइब्रेरी में है या नहीं। तो चेक डुप्लीकेट टाइटल पर क्लिक करेंगे। मान लिया जाए कि हम एक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस ख़रीद रहे हैं तो उसको चेक करना है कि ये हमारे पुस्तकालय में है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। टाइप करने के बाद हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो देखिए कि डिस्प्ले कर रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि ये जर्नल नहीं है हमारे पुस्तकालय के पास। तो इस जो मीनू का जो काम है बस सर्च करना है कि हम ये पता लगा सकें कि इस पुस्तकालय में ये मैगज़ीन, जर्नल, सीरियल इत्यादि है अथवा नहीं। अब यहाँ से हमारा सब्सक्रिप्शन शुरू होता है। ऐड न्यू सीरियल पर अपने माउस के द्वारा क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू देख रहे हैं, ऐड न्यू पर क्लिक किया। यहाँ टाइटल के सामने हम जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस लिखेंगे। सब टाइटल इसका कुछ नहीं होता, एडिटर लिखेंगे यहाँ पर अंजय कुमार। एडिटर चूँकि होता है हर जर्नल का और मैगज़ीन का, न्यूज़पेपर का एडिटर ज़रूर होता है, कोई ऑथर नहीं होता। उसके बाद पब्लिशर अगर कोई है तो पब्लिशर हम देंगे, पब्लिशर भी होता है। तो यहाँ पर बना हुआ है, ड्रॉप डाउन में हम देख रहे हैं। अगर नहीं बना होगा तो हम यहाँ से पब्लिशर को बना लेंगे। वहाँ पर टाइप करने का प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है बल्कि उसे आपको बनाना पड़ेगा पब्लिशर में जा कर के। यहाँ पर पब्लिशर का नाम लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे और कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो और सेव कर देंगे, वो एग्ज़िट हो जाएंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट अगर है किसी ख़ास सब्जेक्ट पर, ये जर्नल है, सीरियल प्रकाशन है, तो यहाँ पर से ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे। तो लाइब्रेरी साइंस पर है तो लाइब्रेरी साइंस बना हुआ है, नहीं बना रहेगा यहाँ पर हम सब्जेक्ट में जाकर बना लेंगे। क्लास नंबर लिखेंगे जैसे लाइब्रेरी साइंस जर्नल, लाइब्रेरी साइंस जर्नल। और यहाँ पर क्लास नंबर डीडीसी नंबर देंगे 020.5 और सेव कर देंगे तो ये जो है हमारा बन जाएगा। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे इसे, उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करते ही एक कैट नंबर जनरेट करेगा। इससे पहले कैटलॉगिंग मॉड्यूल और एक्विजिशन मॉड्यूल में भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ये देखिए सेव करेंगे तो इसका कैट नंबर 7 जनरेट किया, इसे हम याद रख लेंगे। ये एक रिकॉर्ड नंबर है जो सॉफ्टवेयर खुद बहुत जनरेट करता है। अब दूसरा कमांड है सीरियल स्टार्ट डिटेल्स। तो यहाँ से हम ड्रॉप डाउन से इस मैगज़ीन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम देख रहे हैं नोट में डिटेल्स ऑफ सीरियल पब्लिकेशन व्हेन इट वाज स्टार्ट, यानी ये सीरियल पब्लिकेशन जब प्रकाशित होना शुरू हुआ था उसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिखें। तो देखिए यहाँ पर कोडेन है, CODEN कोडेन, यानी कि इसका एक कोड बना देंगे। जैसे जर्नल ऑफ लाइब्रेरी साइंस है तो JLS हमने बना दिया। स्टार्ट वॉल्यूम, जब भी कोई सीरियल प्रकाशित होना शुरू होता है तो वॉल्यूम 1 से होता है और इशू 1 से होता है, 2, 3, 4 से नहीं होता। तो यहाँ पर हम स्टार्ट वॉल्यूम में 1 और स्टार्ट इशू में 1 लिख देंगे। स्टार्ट मंथ, किस महीने से प्रकाशित होना शुरू हुआ है, तो जनवरी से शुरू हुआ तो जनवरी लिख देंगे।
किस साल, मान ले कि 2010 में शुरू हुआ, तो 2010 में ये प्रकाशन का है कि कब से ये मैगजीन प्रकाशित होना शुरू हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी बना हुआ है तो यहाँ पर अगर मंथली है तो मंथली को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और सेव बटन पर क्लिक करें। ये आपका दूसरा काम ख़त्म हो गया। अब सीरियल में जाएंगे, अब सब्सक्रिप्शन स्टार्ट इन्फॉर्मेशन, ऐड न्यू सीरियल कर लिया हम लोगों ने, सीरियल स्टार्ट कब प्रकाशित हुआ और सब्सक्रिप्शन स्टार्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि हम इस मैगज़ीन का सब्सक्रिप्शन कब से कर रहे हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन से अपनी मैगज़ीन को, अपने जर्नल को सिलेक्ट करेंगे और ऐड न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट वॉल्यूम, किस वॉल्यूम नंबर से हम परचेजिंग शुरू कर रहे हैं, तो 2010 में पहला वॉल्यूम निकला था, अभी 2020 चल रहा है तो 11वां वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी के साल में जो है आम तौर पर साल में वॉल्यूम बदलता है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि साल के बीच में भी वॉल्यूम बदल सकता है। तो स्टार्ट वॉल्यूम 11 है तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग वॉल्यूम भी 11 ही होगा, क्योंकि साल भर एक ही वॉल्यूम रहता है तो साल में जो शुरू होगा वही एंड होगा, क्लोज होगा। अब स्टार्ट मंथ हम मान लिया हम जनवरी से ख़रीद रहे हैं तो जनवरी लिखेंगे, और बंद कब हो रहा है तो दिसंबर में, क्योंकि जनवरी से दिसंबर तक ये मैगज़ीन चलती है, अगला साल आने पर वॉल्यूम बदल जाता है और फिर जनवरी से दिसंबर तक चलेगा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। स्टार्ट इशू हर साल जनवरी से इशू 1 से शुरू होता और ये मंथली है इसलिए बंद 12 पर होगा, क्लोजिंग इशू 12 होगा। अगर ये हमारा वीकली होता तो 52 पर बंद होता, मगर चूँकि हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मंथली दिया है इसीलिए 12 लिखेंगे, यहाँ पर 12। स्टार्ट ईयर 2020 अभी चल रहा है, क्लोजिंग ईयर भी 2020 होगा, बंद होगा, हर साल रीन्यू होता है। तो इसके बाद हम सारा फिल करने के बाद हम सेव कर देंगे, सेव करने के बाद यहाँ पर 3 कमांड हमने कर दिया। अब ऐड एक्विजिशन रिकॉर्ड, जिस तरह से हमने बुक एक्विजिशन में ऐड एक्विजिशन रिकॉर्ड में काम किया है उसी प्रकार हम यहाँ पर भी करेंगे। हम मैगज़ीन को सिलेक्ट करेंगे, उसके ऐड न्यू करेंगे, अप्रूवल नंबर देंगे, अप्रूवल नंबर क्योंकि इसको कमिटी से हमें अप्रूव्ड कराना है, तो जो अप्रूवल नंबर भी यूनिक होता है, याद रखेंगे अप्रूवल नंबर यूनिक होता है, तो जो नंबर दिया जा चुका है उसके बाद का नंबर हम यहां पर देंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन ईयर SUBS सब्सक्रिप्शन ईयर 2020 होगा। कॉपी प्रपोज्ड, एक कॉपी के लिए हम कमिटी के पास अप्रूवल के लिए बढ़ाएंगे, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमने अप्रूवल नंबर दे दिया। अब अप्रूवल नंबर देने के बाद जनरेट अप्रूवल करेंगे यानी हमने कमिटी के पास बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर अप्रूवल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अप्रूवल डेट आज 25/06/2020, कमिटी जो बना हुआ है, जो हमारी बुक सिलेक्शन कमिटी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और लेटर को, अप्रूवल लेटर को यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रिंट है, ये लेटर हम भेज देंगे, ऑटोमेटिक लेटर बन करके यहाँ पर आ जाता है, देखिए ये हम कमेटी वालों के पास भेज देंगे अप्रूवल के लिए सिग्नेचर करके। उसके बाद ये कमांड है सेंड फॉर अप्रूवल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर टाइटल हैज़ बीन सेंड फॉर अप्रूवल यानी कि ये अप्रूवल के लिए चला गया और मैनुअली या ईमेल के ज़रिए से हम अप्रूवल के लिए भेज देंगे। अब अपडेट अप्रूवल है यानी अप्रूवल होकर के आएगा, तो अप्रूवल नंबर देंगे और सबसे पहले अप्रूवल नंबर को सिलेक्ट करने के बाद चेक बॉक्स पर यहाँ पर ज़रूर क्लिक करेंगे, याद रखेंगे चेक बॉक्स पर ज़रूर क्लिक करेंगे और अपडेट बटन पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो ये यानी इसका अर्थ ये हुआ कि अप्रूवल हो करके इसका आ गया, देखिए अप्रूव। अगर चेक बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये रिजेक्ट कर देगा, याद रखें। उसके बाद ऐड ऑर्डर डिटेल्स पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर मैगज़ीन को, अपने मैगज़ीन को सिलेक्ट करेंगे, ऐड एडिट ऑर्डर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, ऐड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद ऑर्डर नंबर देंगे, ऑर्डर नंबर जो भी चल रहा है ये भी यूनिक नंबर होता है,
इसे हम लिखेंगे और सेव बटन पर हम यहाँ क्लिक करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो ऑर्डर नंबर, चूँकि वेंडर को ऑर्डर देना है तो ऑर्डर नंबर देने के बाद ही हम वेंडर को ऑर्डर देंगे। अब जनरेट ऑर्डर, यहाँ पर वेंडर को ऑर्डर देंगे तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर नंबर आएगा, यहाँ पर जो हमने पहले दिया है ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट किया, चेक बॉक्स पर हमने क्लिक किया और ऑर्डर डेट यानी कि जो आज का डेट है वो हम दे यहाँ पर देंगे और वेंडर, किस वेंडर को हम ऑर्डर दे रहे हैं ये यहाँ पर लिखेंगे। नहीं बना हुआ होगा यानी 2-4-10 वेंडर को बना करके हम रख लेंगे, एडमिन में इसका बनाने का प्रोविज़न दिया हुआ है, ये देखिए वेंडर बनाने का प्रोविज़न दिया हुआ है, इसको बना लेंगे। और यहाँ पर लेटर में ऑर्डर लेटर हम सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर लेटर सिलेक्ट करेंगे, ईमेल के ज़रिए से देना है तो ईमेल करेंगे और या मैनुअल भेजना है तो यहाँ पर लेटर प्रिंट हो जाएगा, ये जिस तरह से अप्रूवल के लिए हम दे रहे थे तो वहाँ पर भी प्रिंट किया था, यहाँ पर लेटर बना हुआ है, बनाने का प्रोविज़न दिया हुआ है एडमिन में। तो उसके बाद हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्रोसेस सक्सेसफुली लिखा जाएगा। अब जनरेट ऑर्डर हमने कर लिया, अब यहाँ आगे सब्सक्रिप्शन मेंटेनेंस, इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हम लोग इसको जर्नल को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी पहले भी मैंने दिया था, मंथली मंथली किया हमने, अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम पर ईयर, एक साल में वॉल्यूम कितने वॉल्यूम निकल रहे हैं, केवा नहीं कितना वॉल्यूम निकल रहा है, तो एक ही वॉल्यूम निकलता है साल में, एक साल में कितने इशू निकल रहे हैं, इशू पर ईयर तो 12 मंथली है, इशू पर वॉल्यूम एक वॉल्यूम में कितने इशू निकल रहे हैं तो 12 निकल रहे हैं, स्टार्ट वॉल्यूम, स्टार्ट वॉल्यूम यानी कि जो कितने वॉल्यूम से स्टार्ट हो रहा है इस साल, तो 11 हमने दिया था स्टार्ट इशू 1। अब यहाँ सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डिटेल्स, हम किस डेट से ख़रीद रहे हैं तो 1/1/2020 से, ओके। सब्सक्रिप्शन एंड कब एंड हो रहा है तो दिसंबर में एंड हो रहा है 2020। फर्स्ट इशू डेट, पहला इशू कब आएगा तो 1/1/2020 को आएगा। ग्रेस डेट, उसको यानी वेंडर को हम कितने दिन का ग्रेस दें, तो एक रोज़ दो रोज़, मैगजीन में ज़्यादा नहीं दिया जाता है तो दो रोज़ दे दिया। इशू कंटिन्यूड यस कॉपी 1, ये हम यहाँ पर ये जो है फॉर्मेट को फिल करेंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद सीरियल में जाएंगे, शेड्यूल बना देंगे। शेड्यूल किस तरह से ऑटोमेटिक बनाएगा, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ईयर, चूँकि ये मैगजीन या जर्नल हर साल आता है तो किस साल का है ये, तो 2020 का है, और करने के बाद सर्च करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन से सबसे पहले हमने ईयर लिखा, उसके सर्च बटन पर क्लिक किया, उसके बाद ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया और जनरेट शेड्यूल लिखा हुआ है, ये देखिए रेड कलर से, तो जनरेट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो साल भर का शेड्यूल 12 का 12 बना दिया इसने। देखिए 20/11 यानी कि पूरा साल 11 वॉल्यूम नंबर रहेगा, 1, 2, 3 इशू नंबर बदलता चला जाएगा और डेट इशू डेट रहेगा, ड्यू डेट होगा, कॉपी ऑर्डर होगा, अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर शेड्यूल बनाने के बाद हम एग्जिट हो जाएंगे। अब रिसीव लूज़ इशू, लूज़ इशू कहते हैं जनवरी फरवरी जो अलग अलग आता है उसी को लूज़ इशू कहते हैं, तो अब आएगा, तो आएगा तो हम रिसीव करेंगे, आएगा तो रिसीव करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन ईयर है 2020, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब मान लिया कि ये जनवरी का जो है आपके पास वेंडर ने ला कर दिया, तो हम यहाँ पर से ग्रिड के द्वारा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और रिसीव बटन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल्स आ जाएगा, और अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रिसीव की जगह पर वाई लिखा गया। अब ये जो आ गया हमारे पास, जैसे ही हम रिसीव करेंगे सर्च में, ये सर्च देख रहे हैं सर्च सीरियल में, रीडर जो सर्च के द्वारा जो सर्च करेगा तो वो उसको पता लग जाएगा
कि ये मैगज़ीन पुस्तकालय में आ चुकी है। टाइप करेगा तो देखिए ये हमने कर लिया, यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि ये वॉल्यूम नंबर इशू नंबर 1 जो है आ चुका है, अवेलेबल है, और दूसरा तीसरा नहीं दिखा रहा है। जैसे जैसे हम रिसीव करते चले जाएंगे वो दिखता चला जाएगा। तो ये हमारा जो है लूज इशू हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद रिमाइंडर है कि नहीं आया है तो रिमाइंडर करने के लिए है। अब वो बिल देगा तो ऐड बिल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर से जर्नल को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ऐड एडिट बिल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और देखिए ब्लू से सारा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको फिल करेंगे। तो इंडिया में है तो इंडियन रुपीज़ हम लिखेंगे। अब मान लिया कि एक मैगज़ीन का प्राइस जो है 100 रुपया है, तो 12 का 1200 होगा, तो 1200 हम लिखेंगे। फिर यहाँ भी 1200 सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ भी 1200 लिखेंगे। अगर आपको मंथली पेमेंट करना है तो आप ऑफ द रिकॉर्ड फाइल पर आप करें, मगर यहाँ पर एक बार जो है पैसा साल भर का यहाँ पर फिल कर दें ताकि पता चल जाए कि जो है अलग अलग पेमेंट करने का प्रोविज़न यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। इनवॉइस नंबर अगर बिल नंबर जो भी है देंगे, जिस डेट का बिल है वो हम लिखेंगे, यानी बिल पर डेट क्या दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सीरियल में फिर जाएंगे और ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, सीरियल को ड्रॉप डाउन के द्वारा सेलेक्ट करेंगे, ऐड एडिट पेमेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अब उसे जो चेक देंगे 1200 रुपये का, वो चेक पर 6 डिजिट का नंबर रहता है, तो हम 6 डिजिट का जो भी नंबर होगा यहाँ पर लिखेंगे। और चेक पर डेट भी होता है, तो जो भी डेट होगा चेक पर हम यहाँ पर वो चेक का डेट हम लिखेंगे और सेव कर देंगे। तो ये हमारा सीरियल जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आगे जो देख रहे हैं आप रिन्यूअल के लिए है, यानी कि अगला साल जो आएगा सिर्फ रिन्यू कर देंगे, मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सीरियल हुआ। सीरियल किस प्रकार सब्सक्रिप्शन किया जाता है, किस प्रकार शेड्यूल बनाया जाता है और किस प्रकार रिसीव किया जाता है और बिल पेमेंट इत्यादि किया जाता है, आज हम लोगों ने इसको सीखा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आती है आपको प्रॉब्लम, तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9006658740 पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।